यूपी के रामपुर में फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। बेगुनाह मरीजों की जान जा रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इन अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही चंद दिनों की होती है, बाद में पैसा देकर दोबारा यह फर्जी अस्पताल सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाते हैं। एक वारदात फर्जी अस्पताल हयात के सामने आई, जहां एक महिला मरीज का पित्त का ऑपरेशन झोला छाप ने कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने बाद में अस्पताल में हंगामा कर दिया और फर्जी डॉक्टर मौके पर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और परिजनों से मामला जानकर अस्पताल को सीज कर दिया गया। पूरा मामला बताओ। पूरा मामला ये था, हम यहाँ आए थे हयात हॉस्पिटल, अपनी मुमानी को लेकर जुड़ा था, उनका नाम है, और यहाँ पर ऑपरेशन तो नहीं आए थे, पित्ते का ऑपरेशन था उनका। ऑपरेशन के बाद में 30,000 रुपये में तय करा हमने, तय करने के बाद में ये ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसके बाद में जब निकाल के लेकर आए तो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो कहीं चूक है डॉक्टर की? हाँ, इसमें कहीं चूक है, और एकदम से सारे डॉक्टर घबरा चुके थे, यहाँ से करते नहीं थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अब यहाँ से हमने पूछा तो कोई बात मानने को तैयार नहीं था डॉक्टर हमारी। हम बंद किए हैं, सील भी किए हैं, मगर वो दूसरे दिन ही उन पे FIR दर्ज होती है, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन खुल जाते हैं। क्या कारण है, क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से उन्होंने जो हमने सील किया था उसका सील खोलने का आदेश प्राप्त कर लिया। अब उसमें कुछ चीज़ें थी जो मेरे संज्ञान में दो दिन पहले आई हैं, उसके लिए मैंने CMO से जवाब तल भी की है कि सील खोलने के आदेश के बाद या हॉस्पिटल खोलने के आदेश के बाद वो हॉस्पिटल रन कैसे करने लगे, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है हॉस्पिटल को सीज करने का वो ये है कि जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं है वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसमें जवाब तल भी की है, और कहीं से भी कोई अनियमित कार्य नहीं होने दिया जाएगा, जहाँ तक संभव होगा और जहाँ तक हमारी सूचना में आता है कोई भी अनियमित कार्य नहीं होगा, ये हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है।